So guys, I am back. जैसे आपको पता है, I have started this whole interview series. Last time we covered Bharat, Bharat Walia, who is a WrestleMania winner. आज मैं आपको again, I'm going to meet WrestleMania winner, but वो teen category के हैं. But remember, because he's teen, वो थोड़े से शर्मीले हैं. He's a little shy, he's a little nervous, but I'm going to ensure and give my best कि वो comfortable feel करें यहाँ से. Guys, so मैं आपको उनसे इसलिए मिला रहा हूँ. At the tender age of 18, वो ही हैज़ अ बेस्ट फिजिक. अब उनको 18 साल की उम्र में लोग बेस्ट फिजिक देख के बोलते होंगे, भाई यार ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा, ये नेचुरल नहीं हो सकता, ये वैसा हो सकता. बिकॉज वी हैव दिस, वी ऑल हैव दिस टेंडेंसी, बिकॉज ए वी फील दैट इज नॉट पॉसिबल. आई हैव मेट वेरी वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया जिनके 18 साल में, बट यूरोप में, यूएस में तो बहुत कॉमन फिनोमेना है. यू विल फाइंड एट द एज ऑफ 18 पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिप. जेफ सीड इज वन ऑफ देम, देयर मेनी अदर. मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मेक यू मीट अखलत पाशा. सो वेलकम अखलत. सो अखलत को हम मन्नू कहेंगे बिकॉज अखलत विद एन एपिग्लॉटस. तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अपने ऑडियंस को. इसको मन्नू कहेंगे बिकॉज इज निकनेम मनू. कॉल हिम मन्नू. लेट्स से बातें करते हैं मनु से. इससे पूछते हैं कि 18 साल की उम्र में हाउ डिड यू विन WrestleMania, उसके बाद जीतने के बाद हाउ इज लाइफ चेंज, करियर कैसा बना. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वी हेल्पिंग पीपल, आई एम ट्राइंग टू हेल्प एज मेनी पीपल, प्रमोट, सपोर्ट, मेंटर. ही इज ऑल्सो, अखलत इज ऑल्सो वन ऑफ देम. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम, गाइड हिम. जैसे ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है, विच इज लाइक टॉकिंग, हाउ यू कैन प्रेजेंट बेटर. सो वी ऑल वर्किंग विद हिम, ऑल ऑफ अस, एंड टू गेट हिम बेटर. नर्वस तो नहीं हो आप ज्यादा? नहीं नहीं सर, ठीक है. बताना अपने बारे में मानो कुछ. लेट्स टॉक टू पीपल. जस्ट थिंक ऑफ देम, जस्ट थिंक ऑफ द कैमरा एज योर गर्लफ्रेंड, जस्ट अप्रोच हर लाइक दैट. क्या अपने बारे में कुछ बताओ ना. सर स्टार्ट जब किया था, मैं 16 ईयर्स का था. पहले मोटा था मैं, तो इतना कुछ कभी सोचा नहीं था, कभी ऐसी फिजिक हो पाएगी. खाने में कभी कंट्रोल था ही नहीं. फिर धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ, फिटनेस बहुत ज़रूरी है. तो फिर एक दिन मैंने ऐसी सोचा कि कल से पार्क जाना स्टार्ट करूँगा. तो फिर एक दो दिन तो पार्क गया, मैं सोचा जिम भी ज्वाइन कर ही लेता हूँ. जिम गया तो रिजल्ट दिखने स्टार्ट हुए. डाइट फॉलो करी प्रॉपर, हर चीज़, सब चीज़ 100% दिया हर चीज़ में अपना. डाइट वगैरह अच्छे से फॉलो करी, रिजल्ट दिखे. फिर मैं 85 से 60 आया. फिर जब थोड़ा मतलब एब्स वगैरह दिखने लगे, तो सबने बोला खेल खेल. आने का भी खेलना ही नहीं है, सोचा नहीं था ऐसा कुछ. फिर लास्ट ईयर सोचा कि हाँ, खेलता हूँ. फैमिली सपोर्ट थी स्टार्टिंग से ही, सारे सपोर्ट करते हैं. तो फिर मैं इसी ईयर WrestleMania खेला 2017. उसके लिए तैयारी वगैरह काफ़ी अच्छे से 6 महीने. कैसे तैयारी करें, क्या मतलब? सर तैयारी मतलब वही प्रॉपर अपना हर चीज़ में 100% देना, सोशल लाइफ जीरो एकदम. इसे फैमिली में भी किसी को टाइम ना दे पाना, घर वालों से भी इतना मतलब बातचीत कुछ नहीं. सेल्फिश स्पोर्ट है गाइस, बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी सेल्फिश स्पोर्ट है, बिकॉज़ यू हैव टू बी वेरी सेल्फ सेंटर्ड. सब कुछ अपने ऊपर की, ये नहीं करना, बाहर के लिए सोचना है, दूसरे के बारे में किसी के लिए सोचना ही नहीं है. ये करना है, वो करना है. किसी कितने मील खा रहे थे दिन के? सर दिन के कम से कम 6 से 7 मील. हाँ, वर्कआउट भी 2 टाइम कर रहा था उस टाइम. तो सर घर पे बैठना मतलब? हाँ. सिर्फ उठना, ट्रेनिंग करनी, कार्डियो करनी, सुबह खाना पीना, सो जाना, फिर शाम को ट्रेनिंग, खाना पीना, सो जाना, फिर शाम को जिम, और शाम को जिम, 2 टाइम जिम. हाँ सर. सर अब वही फ्यूचर गोल यही है कि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में मतलब यूथ को इस लाइन में प्रमोट करना है आगे, कि वो सारे फिटनेस की तरफ जाएं, लाइफस्टाइल जिए वाला कैसा है. और इंडिया में क्या है, एथलीट्स की कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं. तो आप ही करते हो वीडियोस वगैरह, तो आपके साथ ही लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, वरना कोई नहीं कर रहा किसी के लिए कुछ भी. सब अपना अपना देख रहे हैं सारे बंदे. आप किसी कॉम्पिटिशन में जाके खड़े हो गए, वहाँ कोई ट्रीटमेंट एथलीट्स वाला है, मतलब वो बंदे खुद जज जो आते हैं, एथलीट्स होते हैं वो सारे, उन्हें भी किसी के कुछ नहीं है. बंदा जाके खड़ा है, सबको पता होता है, वाटर सब बंद कर देते हैं, सॉल्ट बंद होता है, बंदे में वैसी एनर्जी नहीं, उसे पोजिंग वगैरह करनी है, लाइनों में लगे हुए हैं, कुछ मतलब बिल्कुल कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, बैठने की जगह नहीं है. मैंने वीडियो करा भी था इसका, अगर आपने देखा हो नहीं. मैंने एक वीडियो किया था कि कई ऐसी ऐसी लोग हैं, फेडरेशंस होती है सारी, नहीं कई ऐसी हैं जो कैसे ट्रीट करते हैं. और नंबर 6 इधर आ, आगे खड़ा हो जा. मतलब आप इतनी मेहनत करके स्टेज पे खड़े होते हो, खड़े होने के बाद आपको अगर ऐसा ट्रीटमेंट लगता है, आपको लगता है कि यार मैंने इस चीज़ के लिए मेहनत करी. प्राइज मनी तो चल छोड़ो, बात की बात है एक, लेकिन रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, राइट? और यार मनु, यही वी ट्राइंग टू चेंज है, यही चेंज करना है कि पीपल लाइक यू, जो इट्स अ फ्यूचर ऑफ इंडिया. 18 साल की उम्र में तुम ऐसे लग रहे हो और इतना कुछ कर रहे हो. मसल मैंने तुमने इतनी मेहनत करी, 2 साल तुमने अपनी ज़िंदगी की कीमती 2 साल दिए इसको, राइट? प्राइम यूथ में हो तुम इस टाइम, और उसके बाद तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं सर, अभी तो तक तो कुछ भी नहीं है. आपका वो जो शो आ रहा है फिटनेस लीग ऑफ इंडिया, तो उसमें मैं कभी किसी रियलिटी शो में गए ही नहीं आज तक. जब मैंने सुना फिटनेस लीग ऑफ इंडिया करके आ रहा है, मैंने देखा इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि 100% देना है इस शो में, कैसे भी करके सिलेक्ट होना ही होना है. दिल्ली में सिलेक्ट नहीं हुआ था GD में, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता, शायद थोड़ा. तो फिर उस वजह से मैं चंडीगढ़ आया. आपको चंडीगढ़ मिला, फिर मैंने वहाँ
अपने ऊपर थोड़ा काम किया, जीडी में बोला बोला, फिर मेरा पीआई हुआ तो मैं सिलेक्ट हो गया उधर से। अभी आपका एक राउंड रहता है वो भी क्लियर करना ही है। मुझे एक बात बताओ, तुमने एफएलआई की बात करी, भरत से भी मैंने सवाल करा। हाँ। लोग बहुत बोलते हैं ना आजकल नहीं, कभी कभी कुछ उनको कुछ फेम चाहिए होता है, कुछ नाम लेके कुछ भी। तुम्हें क्या लगता है एफएलआई के बारे में मनु, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर एफएलआई? सर एफएलआई इंडिया को एक अलग ही, मतलब जितने बंदे इसमें जुड़ना चाहते हैं एक अलग प्लेटफॉर्म देगा वो, लोग यूथ फॉलो करेगी। और तो बाकी के ऐसे शो आ रहे हैं कुछ नहीं है उनका, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है एफएलआई। जो मैं चाहता हूँ, मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मेरे को पता है मैं इसी चीज़ में कुछ कर सकता हूँ और मैं करना इसमें ही चाहता हूँ। जी तो यही है गाइस। तो देखो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, आप जब भी कोई कंपटीशन जीतो, जब भी कुछ करो, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द फ्यूचर, उसका अगला क्या है, उसके साथ मैं क्या करूँगा। मतलब वो बेवकूफ़ी होती है कि आप किसी कंपटीशन में जाओ, इतने पैसे लगा के, 3 लाख 5 लाख लगा के, और यू गेट नथिंग। प्राइज मनी तो छोड़ दो, उसके बाद फ्यूचर भी तुम्हारे को समझ, जैसे तुम असल में नहीं जीते, हाँ जी, प्रॉबली यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या एंडोर्समेंट्स होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए, कुछ नहीं होता इंडिया में, सो वी हैव टू चेंज दैट। मनु अगर एक मैसेज देना चाहे दो लड़कों को, तो जो तो 18 साल की उम्र में तुम ऐसे दिखते हो, अगर किसी को तुम्हारे जैसा दिखना है, अगर वो तुम्हारी तरह 16 साल की उम्र में एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे तुम थे, तो तुम उनको क्या कहोगे कि ऐसी क्या 3 चीज़ें करें वो? सर करने चाहिए सर 3 चीज़ें। सर एक तो मेन फोकस बंदे का फोकस्ड होना चाहिए, उसका गोल सेट होना चाहिए, उसे करना क्या है। तुम्हारा फोकस कौन था? सर मेरा फोकस तो मैं खुद ही था। अच्छा। जब मैं अपने लिए करता हूँ फिर मैं किसी के लिए नहीं सोचता कुछ भी, फोकस है। हाँ, और मेरे को जो करना है वो करना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और सर 100 जो भी हो कर रहा है उस चीज़ को 100% दे अपना। ये करना है तो कोई चीज़, मतलब अगर वर्कआउट कर रहा है तो उसके साथ साथ मतलब प्रॉपर करे, तो डाइट भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा वर्कआउट कैसा होता है? जैसे भरत ने शेयर करा था कि उसका 45 मिनट का वर्कआउट होता है, वो बहुत ही ग्रिल वर्कआउट करता है, ग्रिलिंग वर्कआउट करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मसल माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है। उसने स्ट्रेचिंग पे बहुत जोर दिया था कि मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ ताकि ब्लड फ्लो अच्छा मिल जाए मसल। तुम्हारा कुछ ऐसा है जो तुम शेयर करना चाहोगे लोगों के साथ? सर इतना तो कभी इतना एक्सपीरियंस मेरे को भरत जितना तो नहीं है, तो मैं भरत को 50 साल का है, वो भी 21 साल का नहीं, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वही है बस। अपना वर्कआउट एक सवा एक घंटे का होता है, तो उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह पे मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता अभी, क्योंकि गाइडेंस इतनी नहीं है जो होनी चाहिए। और प्रॉपर डाइट वगैरह तो डाइट फॉलो करते ही हूँ प्रॉपर। बट नाउ ऑफ कोर्स यू नो वी विल ऑल बी वर्किंग टुगेदर, तुम सबको जैसे तुम्हारी जो भी प्रिपरेशन, तुम्हारा करियर, मेंटरिंग, ऑल दिस सप्लीमेंट्स, सो वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग जो भी तुम्हें चाहिए होगा। और तुम्हारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करते हो, सब करते हो? सर ऑनलाइन ट्रेनिंग हाँ स्टार्ट किया है अभी मसल मेनिया के बाद से। लोग पूछते हैं कैसे करें कैसे करते हैं, मैं भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करता हूँ। रही तो अपना डीएम का हैंडल भी बता दो इंस्टाग्राम का, अखलत पाशा, अखलत पाशा का ऑनलाइन डीएम है। टॉक टू हिम, बात करो इनसे, जस्ट आस्क हिम कि यू नो हाउ डिड ही डू इट। थोड़ा शाय है, मे बी दैट्स व्हाई इज नॉट बीन एबल टू ओपन अप प्रॉपर्ली, दैट्स ओके, कई लोगों के साथ होता है, हर एक की अपनी अपनी, छोटा भी है अभी, यू नो ही विल गेट मोर एक्सपोजर, ही विल गेट बेटर, हम उसको काफ़ी वीडियोज में लाते रहेंगे। एंड ही हैज़ अ फिनोमिनल फिजिक, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं लोगों को देखता हूँ ना यार, बिकॉज एक वही जानता है इस मेहनत को जिसने जो इसमें घुसा हुआ है। ये कोई नहीं समझेगा, शायद तुमने 2 साल में इसलिए कर लिया होगा कि तुम्हारे को सपोर्ट होगी पेरेंट्स की, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी है, तो कई लोग नहीं कर पाते, कई को 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं। बट आई एम सो हैप्पी सीइंग यू अखलत। थैंक यू सर। मनु, मैं तो मनु ही बोलूँगा। तो आई एम श्योर वी गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम हियर गाइस, बट रिमेंबर फोकस्ड और कंसिस्टेंसी इज ऑल गोइंग टू गेट यू एवरीवेयर, जस्ट एग्जैक्टली लाइक मनु। तो मैं आपको कई लोगों से मिलाता रहूँगा, बट मनु फॉर आओ, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू। अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।